द्वारा कार्तिक माह के शुभ अवसर के अन्नकूट का आयोजन किया गया है। इस अन्नकूट के अंदर महिला समूह द्वारा भगवान के भजनों की प्रस्तुति की गई है। इसके साथ अजमेर माँ भारती परिवार की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी माता के मंदिर में अन्नकूट वितरण का भव्य आयोजन किया गया। माँ भारती ग्रुप संचालन पवन दिल्लीवाल ने अन्नकूट महोत्सव की जानकारी देते हुए बताया कि अजमेर फायसागर रोड स्थित काली माता मंदिर में कार्तिक माह के शुभ अवसर पर माँ भारती परिवार की ओर से यह आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। भारती परिवार के महिला समूह द्वारा भगवान के मधुर भजन गाकर वहां आए सभी लोगों का मन मोह लिया गया। वहीं मंदिर परिसर में स्वादिष्ट 56 भोग लगाकर बालाजी को अर्पित किए गए। इस आयोजन के तहत बड़ी संख्या में लोग भी उपस्थित रहे। वहीं माँ भारती ग्रुप महिला मंडल अध्यक्ष उषा चौरसिया ने बताया कि इस आयोजन में 31 किलो अन्नकूट बनाकर भगवान को श्रद्धा पूर्वक भोग लगाया गया व 500 महिलाओं द्वारा भजन संध्या का आनंद भी लिया गया। इसी कड़ी में सरिता सोनी ने जानकारी देकर बताया कि सभी के स्नेह व सहयोग से इस आयोजन को संपन्न किया गया। राधा कृष्ण की झांकी लगाकर शानदार नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। आपको बता दें कि इस आयोजन के बाद कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को अन्नकूट का वितरण भी किया गया। हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी माँ भारती ग्रुप द्वारा कार्तिक माह के शुभ अवसर के अन्नकूट का आयोजन किया गया है। इस अन्नकूट के अंदर महिला समूह द्वारा भगवान के भजनों की प्रस्तुति की गई है। इसके साथ में 56 भोग की एक झांकी बालाजी और प्रभु को अर्पित की गई है। बड़ी संख्या में माँ भारती ग्रुप के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं और एक कार्तिक माह का जो आनंद होता है वो अन्नकूट के उत्सव के रूप में मना रहे हैं। पवन दिल्लीवाल, माँ भारती ग्रुप, ये फायसागर रोड स्थित काली माता मंदिर अजमेर। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं माँ भारती ग्रुप के अध्यक्ष, महिला मंडल के अध्यक्ष उषा चौरसिया हूँ। हमारे यहाँ आज अन्नकूट महोत्सव हुआ है, इसमें हमने 3100 किलो का अन्नकूट का आयोजन किया है और 500 महिलाओं का भजन का आनंद लिया है जिसमें, और राधा कृष्ण की झांकी हुई है जिसमें सब लोगों ने बहुत आनंद लिया है। इसका झांकी के साथ में नाच गान हुआ है। जय श्री राम। मैं माँ भारती संस्था से सरिता सोनी बोल रही हूँ। आज हमारे यहाँ पर काली के मंदिर पर अन्नकूट महोत्सव किया गया है जिसमें 3100 किलो का अन्नकूट का आयोजन किया गया है। इसमें सभी के सहयोग से ये आयोजन किया गया है। राधा कृष्ण की झांकी यहाँ पर सजाई गई है और राधा कृष्ण की जो है झांकी सजाकर अच्छे से महोत्सव मनाया गया है। भजन कीर्तन किया गया है और अब इसके बाद अन्नकूट जो है उसका वितरण किया जाएगा और इसमें सभी समाज वर्ग के व्यक्ति इसमें अन्नकूट का जो है लाभार्थ लेंगे। धन्यवाद। मैं सरिता सोनी, माँ भारती परिवार की कार्यकारी अध्यक्ष हूँ।